पानी की समस्या को लेकर दुर्ग में लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इसी को लेकर डंगनिया वार्ड क्रमांक 12 के रहवासियों ने कुम्हारी नगर पालिका का घेराव किया। लोगों का आरोप था कि इस भीषण गर्मी में वहां लोगों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है। पानी 2-3 दिन में एक बार ही आ पाता है, वो भी महज आधे घंटे के लिए। ऐसी स्थिति में यहाँ लोगों का जीना मुहाल हो गया है। दो दिन तीन दिन में पानी एकदम मिलता है, और सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारा वार्ड पूरा तालाब के किनारे बसा हुआ वार्ड है। कई जगह जो है मान लो टैंकर अपन सामने की तरफ भेजते हैं तो 20 के लोगों को पानी नहीं मिल पाता है ना। और वार्ड में अगर विकास की अगर अपन बात करेंगे तो वार्ड में अभी तक जो है ना रोड बना है ना ढंग से नाली बना है। सिर्फ पानी की सफाई की और किसी चीज की हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग मेंटेन कर रहे हैं जैसे तैसे, और यहाँ आके बार बार कंप्लेन भी करते हैं, कोई रिस्पांस नहीं मिलता। अब यहाँ के बाद पार्षद से मिलते हैं तो पार्षद मिलती नहीं है, चेहरा नहीं दिखाती, बोलती मैं यहाँ हूँ वहाँ हूँ बिजी हूँ। तो ये मेरे को ये समझ में नहीं आता कि वो पार्षद अपनी पर्सनल लाइफ के लिए बनी है कि सिर्फ अपने पर्सनल लोगों के लिए बनी।